को खुद करना है। अपोजिशन ने वजीर आजम का बयान बौखलाहट करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट के बाहर 10 लाख बंदे भी जमा कर ले तो अदम एतमाद का फैसला तब्दील नहीं होगा। शहरी रहमान बोली, वजीर आजम नाकामी देख कर अब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सियासी माहौल फिर गर्म। वजीर आजम के बयान को अपोजिशन ने बौखलाहट करार दे दिया। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं, वजीर आजम के जाने का वक्त हो चुका, तब्दीली आने वाली है। आर्मी हर हुकूमत होती है उसको सपोर्ट करती है, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है पॉलिटिकल सपोर्ट। पाकिस्तान में अब तब्दीली सही मानों में आने वाली है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत अदम एतमाद में नाकामी देख कर गैर आइनी हरबों पर उतर आई है। जितनी भी ये गाली गलौज करें और सरप्राइजेस की बात करें, आईनी रास्ता तो इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है इख्तियार करना, तो अब ये हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं, जिससे मुल्क को मजीद तसादों की तरफ ले जाएंगे। जो इत्तेहादी हैं, अपने मेंबर हैं, वो सब छोड़ चुके हैं, तो अब आप किस अखलाकी जवाज आपका रहता है, क्या सियासी और आईनी जवाज रहता है आपका? अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान कुछ भी कर लें, उनके घर जाने का वक्त आ गया है। महंगाई की बात दो दिन बाद